तेज और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, न्यूजीलैंड पर भारत की शानदार जीत, वानखेड़े स्टेडियम में दिखा शमी का जलवा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है, भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया है। तो वानखेड़े स्टेडियम में शमी का एक तरफ जलवा दिखाई दिया और वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड पर भारत की शानदार जीत, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि भारत ने मारी बाजी और वर्ल्ड कप फाइनल में जा पहुंची भारतीय टीम। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम की ये शानदार पारी और 70 रनों से भारतीय टीम ने ये मैच जीत लिया है। मोहम्मद शमी के आगे कीवी टीम पूरी तरह से ढेर हो गई। न्यूजीलैंड पर भारत की ये शानदार पारी अपने आप में बेहद खास। वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटरों का जलवा दिखाई दिया। तो बता दें आपको कि तमाम क्रिकेटर्स जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप फाइनल में, इसी वजह से भारतीय टीम अपनी जगह बना पाई है। न्यूजीलैंड पर भारत की ये शानदार जीत, वहीं शमी ने कई विकेट झटके और 70 रनों से भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है वर्ल्ड कप को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर। और भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जिसके बाद अब इस मैच को जीतने के बाद भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। तो वर्ल्ड कप फाइनल में जा पहुंची है भारतीय टीम। विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन से अपनी जगह बना ली है। तो लगातार भारतीय टीम जो कि उम्दा प्रदर्शन कर रही है और एक अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि तमाम मैच जीत रही है। इसी बीच में ये आज का मैच जो कि बहुत जरूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसे में तमाम जो क्रिकेट फैंस थे वो यही दुआ कर रहे थे कि ये मैच भारत जीत जाए, और आखिरकार भारत ने इस मैच को जीतकर अपनी जगह फाइनल में बना ली है। तो इसी बीच विनय हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं, अनिल हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तो विनय, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। यहाँ पर भारत ने शानदार पारी खेली है और इसके साथ ही जिस तरीके से बीच बीच में कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जितने भी क्रिकेट के फैंस है वो थोड़े डर रहे थे कि आगे क्या होगा क्या होगा, लेकिन आखिरकार भारत ने जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह बनाई। जी बता दें, मैच शुरू होने से पहले ही जो है काफी जो है पूजा पाठ भी किए गए काशी में, और यहाँ जो है युवाओं का काफी जोश देखने को मिला। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है, कैसा लगा आज मैच? तो इंडिया जीत गई, बहुत मजा आया, बहुत रोमांचक मैच था आज का। मैच बहुत ही अच्छा था, दोनों टीम बहुत ही अच्छा खेली, और स्पेशली थैंक्स टू श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल, ताकि वो उन्होंने अच्छा स्कोर किया अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ। एंड न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और केन विलियमसन ने काफी अच्छा खेला, उनके बॉलर्स भी काफी अच्छा बॉलिंग की अपने। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला हमारी टीम इंडिया की तरफ से, और बहुत ही रोमांचक मैच रहा आज का। बहुत ही दोनों टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। क्या कहेंगे फाइनल के लिए, फाइनल में क्या होगा? फाइनल में टीम इंडिया जीतेगी, और कोई जीत नहीं सकता। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद नाम है मेरा। और आज इंडिया जीत गई, इंडिया को तो जीतना ही था, उसके अलावा कोई चांस नहीं था, और इंडिया तो बेस्ट है ही है, और एक से लेके जेड तक सब इंडिया ही मैच जीतेगा, एक से लेके फाइनल तक सब। देखिए ये इंडिया ही पूरा मैच जीतेगा, जो युवा है वो बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान जी ये बताइए, क्या आज का मैच तो इंडिया जीत गई, फाइनल में क्या होगा, क्या कहेंगे आज के मैच के लिए? भैया मेरा तो मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर इंडिया जीतता है तो मुझे दिल से खुशी होती है। देखिए ये मैच फाइनल भी जीते। अच्छा ये जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ और युवा है उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभित नाम है मेरा। आज टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे आज टीम इंडिया के दो सबसे अच्छे, एक बेस्ट फील्डर और बेस्ट बॉलर का अवार्ड ज्यादा चाहिए तो चाहिए बस शमी को, और
जडेजा को। जडेजा ने 4-5 कैच लेकर के आज पूरे मैच का रुख ही मोड़ दिया। क्यों, विराट कोहली ने भी तो इतिहास रच दिया, 50 सेंचुरी कर दिए। विराट कोहली ने भी इतिहास रचा तो मोहम्मद शमी ने भी इतिहास रचा। आज तक 23 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी इंडिया के सबसे पहले बॉलर बने अभी तक के वर्ल्ड कप में। आज तक सबसे ज्यादा जहीर खान लिए थे, उसके बाद मोहम्मद शमी लिए। कुछ और युवा उनके पास भी चलेंगे। क्या नाम है आपका? राघवेश नाम है हमारा। अच्छा, क्या कहेंगे आज के मैच के लिए? मैच बहुत ही रोमांचक था, देख के बहुत मजा आया। बीच में तो बहुत ही फासले आ गए थे, क्या होगा बहुत वो हो गया था, लेकिन फिर लास्ट में बहुत रोमांचक मैच था। हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत मजा आया मैच देख के। देखिए, जो युवा है वो काफी खुश है, जो आज मैच हुआ है उसमें काफी जो है उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन मैच जो है लास्ट तक रोमांच बना रहा है, जिससे काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास में, अब सीधा रुख करूंगी मैं आपके पास अनिल। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, कितनी खुशी, क्योंकि वाकई में बहुत खुशी की खबर है ये भारत के लिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से मैच चालू हुआ था, मैच चालू होने के बाद इंडिया ने इतना स्कोर खड़ा किया था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा स्कोर खड़ा करना ही इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है। और साथ ही जिस हिसाब से मोहम्मद शमी ने लगातार विकेट विकेट चटकाए हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने विजय हासिल की है। इस वक्त कुछ युवा मेरे साथ खड़े हैं। आज इंडिया ने मैच जीता है, क्या लगता है कि आगे से क्या कंडीशन रहेगी? बहुत बढ़िया खेल है इंडिया, काफी अच्छा लग रहा है। अनिल कप्तानी के साथ मिल रही है, 2011 की यादें पूरी रहेगी, और इस तरह से क्या लगता है कि आज शमी ने इतने ज्यादा विकेट लिए हैं, इतना विकेट लेने के बाद में, और कुलदीप यादव का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार विकेट जरूरत थी विकेटों की, तो कुलदीप यादव ने उस जगह पे अच्छा विकेट लिया। क्या लगता है कुलदीप यादव का क्या परफॉर्मेंस रही है? देखिए, थोड़ा दिक्कतें हुई थी शुरुआत में, पर बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई है। शमी चाहते हैं कल तक बहुत अच्छी, और मैं चाहता हूँ की इस साल भी फाइनल उठाए इंडिया। ये भी चाहते हैं कि इंडिया फाइनल उठाए। क्या नाम है आपका? जी संजय जी, जैसा कि आज इंडिया ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस के बाद इंडिया जीत गई और फाइनल में कदम रख लिया, क्या लगता है कि आज ऐसी परफॉर्मेंस सही सारे प्लेयर? देखो, आज के मैच को अगर हम लेके चले तो जैसे पहले ही पता था कि जीत तो पक्की है, पर ये कितने रनों से जीतेंगे, किस तरीके से जीतेंगे, बस वो देखना बाकी था। और रोमांच की बात करें तो हिलने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना मजेदार था। हम तो चाय पानी ये वो सब भूल चुके थे, जबकि हमने पूरा प्लान किया था भी यार स्नैक्स मंगाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, करेंगे, पर वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। मैच ने सब कुछ ही भुला दिया। आज विराट ने 50 उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, विराट पाजी ने जो खेला है वो बहुत अच्छा खेला है, बहुत बढ़िया उन्होंने खेला। और आज का अगर देखें तो विराट पाजी का ऊपर मैच का वो पूरे हीरो ही थे वो उस चीज के। चलिए ठीक है अनिल, लौटूंगी आपके पास में, विनय आपका रुख करूंगी। देखिए, क्योंकि बेहद शानदार मैच रहा है, काफी रोमांचक रहा है, लोगों में एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जश्न का माहौल भी है, जश्न की बात भी है, जश्न के रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपके यहाँ किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह से जश्न मना रहे हैं लोग? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बता दें कि हमारे साथ एक फॉरेनर भी है। विच कंट्री? क्रोएशिया। इंडिया विन सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड। चकते इंडिया। तो देखिए, ये फॉरेनर भी यहाँ काशी में लोग आते हैं घूमने के लिए, ये भी जो है चकते इंडिया कह रहे हैं, तो काफी जो है लोगों के अंदर खुशी है, लोग काफी जो है प्रसन्न है। और आज का जो मैच हुआ उसको लेकर जो अभी आतिशबाजी है वो शुरू हो चुकी है। कुछ लोग हैं उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण जी, बताइए, आज तो मैच सेमीफाइनल जीत गई, क्या कहेंगे इंडिया के लिए? इंडिया के लिए हम तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं, खास तौर से अपने बॉलर शमी के लिए और अपने श्रेय अय्यर के लिए, विराट कोहली के सारे टीम को तहे दिल से बधाई देने का काम ये लक्ष्मण सिंह वाराणसी से कर रहे हैं। तो देखिए, काफी लोगों के अंदर खुशी है, जो आज का जो मैच हुआ है काफी रोमांचक मैच हुआ है, कई रिकॉर्ड बनाए गए हैं विराट कोहली द्वारा रिकॉर्ड बना है, और कुछ लोग हैं उनके पास चलते हैं। आज का मैच काफी शानदार रहा, एक समय कैसा लग रहा था? मैच हम देखे नहीं, मगर बहुत मस्त अच्छा टक्कर का मैच हुआ है, और हम चाहते हैं कि इंडिया ही जीते फाइनल,
देखिए मैच इन्होंने पूरा मैच देखा नहीं, लेकिन ये जो है काफी चाहते हैं आज सेमीफाइनल तो जीत गई, आगे के लिए क्या कहेंगे? फाइनल भी जीत जाएगी उसमें कोई नो डाउट। फाइनल देखिए इन लोगों का जो उत्साह है कि जो फाइनल मैच होगा वो भी इंडिया जीतेगी, तो आतिशबाजी। भारत मैच जीत गया है, किस तरीके से भारत के आज के मैच को आपने देखा और वर्ल्ड कप में क्या उम्मीद है? मैं पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरा देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा हुआ और हम इंडिया पर फाइनल वर्ल्ड कप जीत के लाने वाले, इस बार फिर से हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। किस खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद है? मेरे सबसे विराट कोहली है, मोहम्मद शमी भी है, हर पूरे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं भी स्पोर्ट से जुड़ा हूँ, वॉलीबॉल भी मैं भी खेलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी देख ही रहा था बस कैमरे में अभी, इसलिए बहुत धन्यवाद। हमारा नाम शाबान खान है। शाबान जी, भारत ने जिस तरीके से जीत हासिल की है कितने खुश हैं? चलिए ठीक है अनिल, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए इस मैच के लिए ज्यादातर लोगों का कहना है यही कि इस बार कोहली ने तो कमाल कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया शमी ने कमाल किया है, लेकिन वहीं श्रेयस ने भी शानदार पारी खेली है। जाहिर है कि ये जो तीन की तिगड़ी है इसने काम नहीं बिगाड़ा बल्कि सवारा है, और शुरुआत से ही हमने देखा है कि जो भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह की फॉर्म में भारतीय टीम है, वाकई में काबिले तारीफ है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो कप है वो भारतीय टीम ही आएगी। लोगों से जरा बात करके बताइएगा कि आज की जीत का श्रेय वो किसे देना चाहते हैं? बिल्कुल जाएगा, जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने एक अच्छी स्टार्टिंग दी थी, स्टार्टिंग के बाद लगातार विराट कोहली और अन्य बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, सबने अपनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसी की बदौलत आज इंडिया पहुंची है। इस वक्त मेरे साथ कुछ समर्थक खड़े हैं। आज क्या लगता है कि किसने सबसे अच्छा खेला है? और कोहली और जैसे ऑन दी बैट्समैन है, मतलब इन लोगों ने इतना स्कोर अच्छा खड़ा किया है जिसकी बदौलत आज जो है ये जीत। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से शमी की बॉलिंग थी और शमी ने आज 6-7 विकेट झटके हैं, क्या लगता है कि शमी का एक अहम रोल है क्या इसमें? शमी का बिल्कुल अहम रोल है, इसी ने जो है मतलब की जहाँ विकेट लेना चाहिए वहाँ उसने लिया। एक तरफा लगा कि मतलब कि मैच हाथ से जा रहा था, लेकिन वहाँ जो है कवर हो गया है उसको, चीज को कवर किया। जहाँ तक लोगों का कहना है कि शमी ने इसको कवर किया है। अच्छा, आप बताइए कि इसे रोहित ने अच्छी स्टार्टिंग दी, स्टार्टिंग के बाद विराट कोहली ने अच्छा स्कोर खड़ा किया है और कहीं ना कहीं आज 50-100 भी हो गए, तो क्या कहना है कि विराट कोहली का कैसे परफॉर्मेंस रही? विराट कोहली से बढ़िया खेल रहा है, लेकिन जहाँ तक अहम है सैयद का भी बहुत अच्छा है, उसने बहुत तेज शतक मारा था, इसलिए कोहली का भी प्रेशर कम हुआ था और बाद में आके के राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, इसलिए स्कोर हम लोगों के ज्यादा अच्छा स्कोर किया था और बॉलिंग में भी बहुत बेहतर हुआ। बॉलिंग और बैटिंग कहीं ना कहीं जिस हिसाब से देखी जा रही है कि सभी की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर थी जिसकी बदौलत इंडिया जीता है, और कहीं ना कहीं कानपुर से कुलदीप यादव बिलोंग करते हैं और जब एक विकेट की जरूरत। शमी की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग पे कोई शक कर सकते है क्या? और जैसे ये भी हो गया, फाइनल भी अपना ही है, वर्ल्ड कप ये साल भी इंडिया ही आना है। मैच की जीत का क्रेडिट किसे देंगे, बल्लेबाजी को या गेंदबाजी? वैसे देखे तो दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दबाव अगर होगा तो गेंदबाजी पे होगा क्योंकि उनका बल्लेबाजी काफी बढ़िया चल रहा था। उसके बीच में दो बक टू बक विकेट लिया, इंडिया गेम में वापस आ गया। आज बैटिंग लाइनअप अगर इंडिया की बात करें, श्रेयस अय्यर 100, विराट कोहली 100, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग किया, सभी ने अच्छा किया ऊपर से नीचे तक, ख्याल राहुल ने भी नीचे आके धुआंधार बैटिंग कर दी तो सभी ने बल्लेबाजी हासिल की। फाइनल में आप किसको देखते हैं? कि जिस प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा है, पीछे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं विजुअल्स। विनय, देखिए जाहिर है कि इस मैच को जीतने के बाद ये कहा जा रहा है कि भारत ने आखिरकार 2019 का बदला ले लिया है न्यूजीलैंड को हरा करके। क्या उम्मीद जताई जा रही है? लोगों से जरा बातचीत करके बताइएगा, क्या इस बार जो वर्ल्ड कप का सूखा है वो खत्म हो जाएगा? जी जी बता दें, हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, उनके पास चलते हैं। 2019 का बदला ले लिया इंडिया, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश है इस बार, और क्योंकि इस बार सेम ही सेमीफाइनलिस्ट हमको न्यूजीलैंड मिली थी, लेकिन पहले ही ओवर से रोहित शर्मा ने बता दिया कि ये देखिए हम लोग बदला लेने के लिए ही है। जिस तरह से उन्होंने नॉकआउट शुरुआत कर दी, उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक मारा, और उसके बाद जैसे श्रेयस अय्यर ने फिनिश किया है,
बेहतरीन पारी खेली है, एक अच्छा टारगेट दिया है। उसके बाद जो शमी भाई ने शुरुआत की है और इतना बेहतरीन 7 विकेट लिया है, इस बार हम इतना खुश है कि हम लोग देखिए शादी भी छोड़ छाड़ कर इस बार सेलिब्रेट करने आ गए रोड पर। देखिए ये शादी के बाद जो है सेलिब्रेशन के लिए आ गए, कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, क्या कहेंगे आज के इंडिया जीत के लिए? क्या नाम है? अफजल नाम है। अब इंडिया जैसा खेले ऐसे ही फाइनल में खेले तो दिवाली का सबसे अच्छा गिफ्ट वही होगा। देखिए ये काफी खुश है जो है युवा जो है काफी खुश है। आज जो है मैच रहा, आज मैच रहा, मैच आपने देखा कैसा लगा? मैच तो बहुत अच्छा था और सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके बेसिस पे हम लोग जीते भी फाइनल में भी उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो। बाकी तो हम लोग तो जीतेंगे, इंडिया जीतेगा। इन लोगों का जो उत्साह है वो कह रहे हैं कि इंडिया फाइनल जीतेगी और जो दो